दोस्तों कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं प्रतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएम यूगूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। दोस्तों हर तारीख ही खुद में कुछ ना कुछ बयां करती है और आज 30 जनवरी की तारीख भी खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अनदेखा हो गया है। लोगों के मन में बड़े सारे भ्रम हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जो बीमारियां हैं ये किस तरह से हो जाती हैं, क्या ये छूने से हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ आज कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग जो आज से ही नहीं बल्कि बहुत सालों से हमारे देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में ही है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो आज 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आज ही की तारीख 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि सभी के प्रति प्रेम भाव रखते थे और ऐसे लोग जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते थे उनके प्रति उनके मन में एक अलग ही सहानुभूति होती थी। वो समय जब बहुत ज़्यादा लोगों से भेदभाव किया जाता था, महात्मा गांधी जी की ये मुहिम रहती थी कि सभी को समानता के साथ इज्जत के साथ पेश आया जाए। इसी कारण से हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और दिवस भी मनाया जाता है, NTD डे, यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां दिवस, जिसे हम निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे कहते हैं। क्या है ये दोनों दिवस और क्यों इनके बारे में जानना जरूरी है, सारी बातें करने आ गई हैं आज हमारे साथ हमारी KGMU की ही दो डॉक्टर्स। हेलो मैम, मैं प्रतिमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल KGMU गूंज में। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार प्रतिमा, मैं डॉक्टर पारुल वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी KGMU लखनऊ से हूँ जी। और हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं जो कि सेम डिपार्टमेंट से हैं। मैम से मैम का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप, कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वस्तिका सुवीरिया, मैं एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड चर्म रोग विभाग KGMU से हूँ जी। तो हमारे साथ आज हमारी KGMU की दो डॉक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग विभाग से डॉक्टर स्वस्तिका सुवीरिया और डॉक्टर पारुल वर्मा। मैम आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैम जैसे कि आज मैंने अभी बताया कि आज दो डे हैं, एक विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, इसके साथ ही उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां दिवस है। वैसे ये जो सेकंड नाम मैंने बोला विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां, बड़ा लंबा सा नाम है और मैंने भी पहली बार सुना है। क्या है मैम, जानना चाहेंगे आपसे NTD डे क्या है? NTD निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे 30 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। ये वो बीमारियां हैं जैसे आप नाम से समझ रहे, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, जिसके बारे में हमारी अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये उन वर्ग को अफेक्ट करती हैं जो ज़्यादा पुअर है, निग्लेक्टेड है। इसमें कई तरह की बीमारियाँ आती हैं। क्योंकि हम त्वचा रोग विभाग से हैं, आज हम वो बीमारियों के बारे में बताएंगे जो स्किन NTD है, यानी त्वचा की निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस है, जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उनको हम निग्लेक्ट करते हैं, पेशेंट भी निग्लेक्ट करते हैं। उसमें कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, मेनली इन्फेक्शन जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा का जैसे TB हो गया या माइसिटोमा नाम की बीमारी है वो हो जाती है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन। तीसरा इन्फेक्शन जो स्केबीज कहते हैं, जिसमें खुजली होती है, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ और बहुत मरीज हमारे यहाँ OPD में इसके आते हैं। फिर आपने हाथी पैर के बारे में सुना होगा, फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, वो भी इंडिया में बहुत कॉमन है। और कुष्ठ रोग भी एक NTD का ही पार्ट है। तो ये सारी बीमारियाँ मिलकर निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस बनाती हैं। हम सुवीरिया मैम के पास जाना चाहेंगे। मैम आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी है, मैम कुष्ठ क्या है और ये आज 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जा रहा है? कुष्ठ रोग, जिसको आम भाषा में आप सुनबहरी कोढ़ कहते हैं, इंग्लिश में उसे लेप्रेसी कहते हैं, यह एक सूक्ष्म जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या लेप्रोमेटोसिस द्वारा होता है। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में सुन्न के दाग होना, हाथ पाँव में कमजोरी होना, नसों का मोटा हो जाना, ये सब इसके कुछ लक्षण हैं। और वैसे तो पूरे विश्व में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है, बट जैसा प्रतिमा जी ने बताया आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को, सो उसी उपलक्ष्य में आज भारतवर्ष में सो कुष्ठ रोग दिवस आज के दिन मनाया जाता है जी। श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न आ रहे हैं, आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे है और NTD डे भी है, तो आपके मन में किसी तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे। आप मैसेज कर सकते हैं 8887019138 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
तो हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। फिलहाल हम बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। पारुल मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि NTD, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं ये, इनके अगर लक्षणों की बात करें तो किस तरह से पहचानेंगे कि ये नेग्लेक्टेड डिजीजेस हैं? हाँ, इसके लक्षण हर बीमारी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर हम स्केबीज की बात करें, जो एक माइट से फैलता है, इसमें मरीजों को खुजली होती है, पूरे शरीर में खुजली के साथ दाने निकलते हैं और ये एक से दूसरे में फैलता है। अगर हम स्किन TB या फिर जो फंगल इन्फेक्शन की बात करें, डीप फंगल इन्फेक्शन की बात करें, ये फैलता है चोट लगने से। जैसे कि चोट मतलब किसी तरह की चोट भी हो सकती है, एक कांटा भी हो सकता है, या फिर अगर आप टीबी चमड़े की टीबी की बात करें तो अगर आपको अंदरूनी टीबी है या फिर कोई बाहर से चोट लगी है तो भी स्किन में उसके लक्षण आ सकते हैं। इसको निग्लेक्ट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये शुरुआत होती है, इसमें जो दाना होता है, घाव बनता है, ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता, तो शुरू में हम लोग इसको निग्लेक्ट करने लगते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। ऐसी हाथी पैर वगैरह में क्या होता है कि शुरू में आपको बुखार आता है, सूजन आती है, फाइलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, जिस हिस्से को भी आपके शरीर को अफेक्ट करता है वो, अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो आगे जाके फिर उसमें सूजन जो है परमानेंट हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए हो जाती है, फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अच्छा मैम, फाइलेरिया में व्यक्ति का पैर हाथी पाँव के जैसा हो जाता है? हाँ, अगर वो लंबे टाइम तक रहे, इलाज टाइम पे नहीं कराया जाए तो वो हाथी पाँव या फिर जिस शरीर के हिस्से को वो अफेक्ट कर रहा है उसका इनलार्जमेंट या उसका मोटापा हो जाता है। जी जी मैम, पारुल मैम, एक हमारे पास मैसेज आया है, उनका ये कहना है कि अगर किसी पेरेंट्स में है तो क्या ये अनुवांशिक भी होते हैं इस तरह के रोग, क्या आगे भी चल के हो सकता है? नहीं नहीं, अनुवांशिक नहीं होते। जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आपका कीटाणुओं से होता है, चाहे वो बैक्टीरिया कीटाणु हो, चाहे फंगस के हो, चाहे माइट को, तो ये इन्फेक्शन है, ये हमें एनवायरनमेंट मतलब हमारे सराउंडिंग से मिलता है, ये हमें जेनेटिक नहीं होता। जी जी जी। स्वास्थ्य का मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, तो कोई व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि उसे कुष्ठ हो गया है, इसके लक्षण क्या क्या है? जैसा कि पहले भी हमने बात की, इसका नाम ही सुनबहरी है, तो शरीर पे हल्के रंग के निशान होना, जिस पे थोड़ा कम एनेस्थीसिया होना, मतलब सुन्न लगना, आपको वहाँ महसूस नहीं हो रहा है, या हाथ पाँव में अचानक कभी कभी कमज़ोरी हो जाए, उंगलियाँ टेढ़ी हो जाए, कई बार यह भी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। जैसे लेप्रसी के भी कई स्पेक्ट्रम होते हैं, राइट फ्रॉम बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लोसिस से लेकर लेप्रोमाइटिस के, तो ये जो पॉसीबैसलरी जिसमें कम बैक्टीरिया होते हैं वो तो समझ में आते हैं, जैसे मरीज जल्दी आ जाते हैं सुन्न वाले निशान लेके, जो लेप्रोमाइटिस साइड होते हैं उस तरफ सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नाक से खून निकलना, पैर में सूजन होना, चेहरे में विकृति होना, जैसे आपने देखा होगा मंदिर वगैरह के बाहर काफ़ी विकृत हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे लक्षण समझ में आए, जब भी आपको कहीं सुन लग रहा हो या ऐसे कोई लक्षण समझ में आए, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से बॉडी के किसी, स्पेशली हाथ पैर में कमजोरी होना, टेढ़ापन होना, और सुन और चकत्ते, लाल निशान होना, या विकृति चेहरे पे विकृति हो जाती है, आईब्रोज लॉस हो जाए, कान का मोटा होना, यह विकृति हो तो तुरंत ही अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करने की जरूरत है। यह कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। जी मैम, अगर इसके स्प्रेड की बात करें तो ये फैलता किस तरह से है? लेप्रसी अनुवांशिक नहीं है और ना ही कैजुअल कॉन्टैक्ट, मतलब मैंने आपको छू लिया, हैंडशेक कर लिया, उससे फैलता नहीं है। ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब अनट्रीटेड पेशेंट का प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट, मतलब विथ ईयर्स, इवन कॉन्जुगल लेप्रसी, मतलब एक मैरिड पार्टनर से दूसरे को होना, उसके चांसेस भी 5% से कम होते हैं। तो वेरी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विथ एन अनट्रीटेड लेप्रोमाइटिस साइट पेशेंट, तब ये फैल सकता है। बिल्कुल कैजुअल कॉन्टैक्ट या जस्ट टच करने से तो नहीं फैलेगा, संक्रमण है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, बट कॉन्टैक्ट प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए और बैक्टीरियल शेडिंग प्रोलॉन्ग कर रहा हो, आप उसके कॉन्टैक्ट में लगातार हो, सालों तक हो, पेशेंट इलाज ना ले रहा हो, तब आपको यह संक्रमण हो सकता है। जी मैम, एक हमारे पास मैसेज आया है, उस मैसेज में उन्होंने पूछा है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है और कितने लंबे समय तक कुष्ठ रोग का इलाज चलता है? कुष्ठ रोग आज के दिवस में टोटली क्योरेबल है। 1980s में मल्टी ड्रग थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। उसमें तीन तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, डैप्सोन, रिफैम्पसिन और क्लोफेजिमिन। पॉसीबैसलरी में 6 महीनों का कोर्स होता है और मल्टीबैसलरी में 1 महीने का कोर्स होता है, बट वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कई बार 1 से 2 साल तक वो चल सकता है। और मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा इस बीमारी का इलाज पूर्णतः संभव है।
जी पारुल मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि NTD जो बीमारी है, इसका बचाव और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? इलाज, सबसे पहली बात है, इलाज सबका है, आपको टाइम से आना है। कुछ बीमारियां स्केबीज कहने में सिंपल है, इलाज एक बार में ही हो जाता है। जो हम दवाइयां देते हैं मरीज के इलाज के लिए, उसके परिवार को इलाज करने को बोलते हैं, तो जैसे पहली बात तो डॉक्टर बोल रहा है वो फॉलो करें। अगर हम बोल रहे हैं कि आपको ये दवा लगानी है, आपके परिवार वालों को भी लगानी है, तो करें। क्योंकि कुछ बीमारियाँ फैलती हैं, हम ट्रीटमेंट देंगे वो आप ठीक हो जाओगे। कुछ बीमारियाँ जैसे फंगल इन्फेक्शन, स्किन का TB, फाइलेरिया, इनके भी जाँचें होती हैं। जाँचों के बाद इनका पूरा इलाज संभव है अगर इसको अर्ली में ले लिया जाए। लेकिन अगर ये लेट हम कर देते हैं, सपोज़ हमारा पैर बहुत फूल गया है, या हमने अपनी जो स्टार्टिंग में हमारी गांठें हुई या जो निशान पड़े उसको हम निगलेक्ट करते गए और वो बड़ी गांठें हो गई, उसमें और कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो इलाज तो हम कर देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मॉर्बिडिटी कहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। इसीलिए टाइम पे इलाज करना, त्वचा रोग के डॉक्टर को टाइम पे दिखाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इन बीमारियों को लेकर। अब कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए? देखिए, ये सारी बीमारियां हैं, ये कैसे फैल रही हैं, इन्फेक्शन है, गंदगी और उन सबसे बढ़ता है। तो जितना आप अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास का वातावरण में सफाई रखेंगे, सिंपल सिंपल चीज़ें, जैसे अगर आप बाहर मैदान में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, तो पैर में चप्पल पहनेंगे, एक छोटा सा काम है, आपको चप्पल पहननी है ताकि आपके पैर में कुछ चुभे ना, कुछ आगे बढ़े ना, ऐसी। तो साफ सफाई, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, ये मेन इसके प्रिवेंशन का कॉर्नर है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और हम भी आपको हमेशा ही बताते रहते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, शरीर में किसी तरह के कोई लक्षण दिखते हैं, तो खुद से उसका ट्रीटमेंट ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं खुद से जाके केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, तो ये सब काम बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि होता ये है कि जब आपकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और आप खुद से उसका ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, या डॉक्टर्स के बताए अनुसार आप काम नहीं करते हैं, आपने 2-4 दिन दवा ली और उसके बाद आपको लगता है कि अब तो ठीक हो गया, तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाती है। और कई बार वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। परेशानी आप ही को होती है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। तो इस तरह से ना करें। बढ़ते हैं हम सुवीरिया मैम के पास में, और मैम आपसे जानना चाहते हैं कि आज भाई आप दोनों KGMU से हैं, तो KGMU में आज के दिन के लिए, इस डे के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है? आज 30 जनवरी को, जैसा हम लेप्रेसी डे और नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मना रहे हैं, हम दोनों, डॉक्टर पारुल और डॉक्टर स्वास्तिका, हम दोनों मेंबर्स हैं SIG NTD और SIG लेप्रेसी के, जो पैन इंडिया डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज और लेप्रेसी के। तो हमारी स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें, तो इसके अवेयरनेस को फर्दर इन्हांस करने के लिए KGMU में आज हमने एक कॉम्पिटिशन रखा है, कैची स्लोगन कॉम्पिटिशन लेप्रेसी डे के उपलक्ष्य में, और एक पोस्टर डे का कॉम्पिटिशन रखा है नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिए, जिसमें आज जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स होंगे दोनों कैटेगरी में, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो OPD में मरीज हैं उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ मरीजों को इस दोनों बीमारियों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस रखें, इसका इलाज कैसे संभव है, और जो भी इसके बारे में भ्रांतियां हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह छूने से नहीं फैलता, अनुवांशिक नहीं होता है, और साफ सफाई और अर्ली अगर हम इलाज करें, स्पेशली कुष्ठ रोग का, तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, उस स्टेज तक हम जाएंगे नहीं। तो अर्ली ट्रीटमेंट से ना पेशेंट इन्फेक्शियस रहता है, और दूसरा पेशेंट पर से में डिफॉर्मिटी आने के चांसेस निल हो जाते हैं। जी, एक तो चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि इलाज संभव है, इलाज पूरा करें। इन कई बीमारियां हैं ऐसी, NTD और लेप्रेसी, जिनका इलाज लंबा चलता है, तो मरीज को ये भी ध्यान रखना है कि इलाज पूरा करें, नहीं तो ये वापस आएगी। जी, मतलब जो एक ट्रीटमेंट कहा जाता है, पूरा कोर्स उन्हें कंप्लीट करना है, साल भर, 2 साल, लंबा चलता है इसमें कई बीमारियों में इलाज। जी बिल्कुल, तो मैंने आपको पहले भी कहा और मैम भी हमारी कह रही हैं कि आपको जो कोर्स बताया जा रहा है वो आपको पूरा लेना है, अदरवाइज ये बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होंगी और ये बीमारियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मैम, हमारा जो समय है वो हो रहा है ख़त्म, तो और कुछ कहना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी, या KGMU में जो आना चाहते हैं इस डिजीज से, जो भी ग्रस्त हो चुके हैं, वो KGMU में कहाँ, किस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और कब आ सकते हैं? KGMU में हम जैसे बाकी त्वचा रोग देखते हैं, हम लोग का स्पेशल इंटरेस्ट है जैसे लेप्रसी और NTD पे, तो हम इसको भी देखते हैं। त्वचा रोग विभाग में मरीज आ सकते हैं, हमारी OPD में वो हमें आके मिल सकते हैं। इसकी सारी जांचें और जांचों के बाद फिर उनका इलाज पूरी तरह से संभव है, और हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी फ़िलहाल जो OPD डेज है वो मंगलवार, बुधवार और शनिवार है।
ठीक है, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ओपीडी रहती है, तो आप आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सुवीरा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी चलते चलते, हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही है मेरा कि कुष्ठ रोग या निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का जैसा नाम है, इनको निगलेक्ट ना किया जाए, समय रहते इनका इलाज किया जाए और इससे जुड़ी हुई जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जाए, और जो समाज में जो इसके प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। लेप्रेसी पेशेंट सिर्फ इलाज से ठीक नहीं हो जाता, उसके प्रति जो स्टिग्मा रह जाता है सोसाइटी में उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। तो उसमें ज़रूरत है हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की, कम्युनिटी मेम्बर्स की, ताकि जो स्टिग्मा है वो दूर हो पाए, ना सिर्फ वो फिजिकली बट मेंटली भी फिट रहे वो पेशेंट, उसके अगेंस्ट स्टिग्मा ना रखा जाए। जी मैम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? पारुल मैम, मेरा मैसेज फॉर निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ और कुष्ठ रोग में यही है कि साफ सफाई रखें ताकि ये बीमारी हो ना पाए। बीमारी हो जाती है, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, चरम रोग डॉक्टर के पास आएं, उसका प्रॉपर जैसे डॉक्टर कहता है उसकी जांचें और इलाज कराएं। इलाज संभव है जिससे कि आप आगे इन बीमारियों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और डिफॉर्मिटी कम से कम होगी आपको। जी बिल्कुल, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, और उम्मीद है श्रोताओं इन बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और इन बातों पर आप अमल भी करेंगे, और किसी तरह से कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लेंगे। वैसे आपके नियर कोई भी अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो आप वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट लें। इसके साथ ही आप हमारे KGMU में भी आ सकते हैं। मैम ने आपको बताया है कि OPD डेज हमारे मंगल, बुध और शनिवार को OPD डेज हैं, तो आप आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बस इस ज़िंदगी को इन्जॉय करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए KGMU गूंज। फिलहाल दीजिए मुझे अब आज के सफ़र से विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक पर। आज हमारे साथ KGMU से डॉक्टर पारुल वर्मा और डॉक्टर स्वास्तिका सुवीरा मैम आई। आप दोनों ने इतना टाइम दिया और इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।